भाई ट्रेन छूट गई थी हमारी, ये पत्थर ऊपर से शैतान ने फेंका था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू डे विद अ न्यू व्लॉग। आज भाई ये पहले हम तुम्हें दिखा रहे डे वन, अभी हम आए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मज़ार पे, क्योंकि हम जाने वाले अजमेर। एक दो तीन, हम कल गए थे वैसे निजामुद्दीन तो कल कुछ बना नहीं पाया, अभी हम आए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक वाली मज़ार पे। यहाँ भी मत्था टेकने आया, हाजिर लगाने आया है, फिर हम वहाँ जाएंगे। अब मैं तुम्हें बैक का व्यू दिखाता हूँ। आप हो गए ना, क्या करता है रे तेरी। भाई हमारे यहाँ से हो चुके हैं, अपने यहाँ हाजिर लगा दिए। भाई यहाँ पे मस्त आना पड़ता है, अगर अजमेर जाते हो तो यहाँ आना पड़ता है। और वैसे निजामुद्दीन भी हम गए थे, वहाँ भी जाना पड़ता है। वैसे भाई जिसका मन करे जहाँ जाओ, बट यहाँ आना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ आए थे। अब यहाँ से जो सीन होगा वो तुम्हें बताएंगे, और ये तो मैं सीधा पर कल कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि भाई ज़्यादा लंबा ब्लॉग करना नहीं। इन्जॉय मिलेगा, जैसे हमने आपको वेस्ट दिल्ली दिखाया वैसे हम यहाँ पर तुम्हें इन्जॉय दिखाएंगे, आई होप। बाकी लेट्स सी क्या होता है, क्या करूँगा। दूल्हा है बाबू, उनको बहुत लाइक करती हूँ, ठीक है। और कोई इनको छोड़ा तो मुझसे बात कर, छोड़ने से पहले ये कौन मिलेगी यारी। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं, बहुत फंस रखे हैं और लेट हो रही है हमारी ट्रेन, देखते हैं मिलेगी कि नहीं। लेट्स सी जो होता है आपको बताते हैं। 3 बजे की हमारी ट्रेन थी और 2:55 हो चुके हैं और अभी तक हम स्टेशन ही नहीं पहुंचे हैं। अब भाई देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हमारा भाई ये पूरा रिक्शा भरा हुआ है सामान से, और हमने एक कट भी गलत ले लिया था। अब देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं, अगर भाई बुलाओ आपको तो हम पहुँच जाएंगे कैसे ना कैसे करके, नहीं तो भाई हम रह जाएंगे। गाड़ी छूटने वाली है, हॉर्न भी बच गए। अब देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं, बहुत दिमाग खराब हो रहा है भाई। ट्रेन छूट गई थी हमारी भाई, फिर किसी ने चेन खींच दी तो हम फाइनली बैठ गए, पर आदित्य और आयुष तो बैठ गए थे, हम सब रह गए थे भाई। आंखों से आंसू आने लग गया था कि भाई अब क्या होगा। पहली बार एक्सपीरियंस किया मैंने ट्रेन छूटने का, और ये लास्ट था भाई मेरा। भाई अब नहीं हो सकता ये, इसको देख भाई। मैं भाई ये रिक्शे वाला ने इतना लेट करा दिया हमें, बहुत हालत ख़राब। तुम्हें मिलता है भाई थोड़ा नॉर्मल होके, भाई गर्मी चढ़ गई है पूरी भाग भाग के, और सबकी हालत ख़राब हो गई थी भाई। संडे 12 बजे को बंदे ये कौन सा स्टेशन है फिर? ये दिल्ली का यहाँ नहीं आएगा, वो उस साइड है। अरे भाई आप भाई बहुत मुश्किल से हम आए हैं, अब देखते हैं कैसा सफ़र करता है कैसे। आदिल नहीं रोया, बस आदिल उसके जाने पर रोया था बस। ये देखो एयरपोर्ट, ओए फोकस ही। हाँ ये देखो भाई, ये रनवे है, रनवे अबे दिख रहा है भाई यहाँ से, वो देखो भाई, ओए ओए। अब एक बंदे ने मेरे YouTube वीडियो में कमेंट किया है, सौरभ जोशी ब्लॉग्स कैंसर और आदिल ब्लॉग्स राइट। अजमेर हम उतर गए, अजमेर उतरते इनकी हरकतें चालू हो गई, वो देखो उसका बैग फेंक दिया। भाई अभी तो मजे स्टार्ट हुए, अभी तो कल तुम्हें और मजे करवाएंगे। अभी भाई हम होटल होटल देख रहे हैं, और कितने बज रहे हैं हम? जुनैद भाई कह रहे हैं रूम में इसकी मजे चल रहे हैं, रूम के अंदर इसकी लेनी, रूम के अंदर इसकी लेनी है। जुनैद भाई मकसद मत बोलना, टाइम कितना हो रहा है वे, टाइम कितना हो रहा है कुत्ते।
दस बज गए, 12 बजे तक इसकी पिक्चर लग जाएगी। टाइम हो रहा है 9, 10, 9 इसको रात भर। भाई अजमेर में आओ नए कपलों के साथ और सोडा और ये फ्री जो भी शिकंजी लेके, और वैसे भी वैलेंटाइन डे आ रहा है तो भाई जरूर आओ और ये ऑफर का उपलब्ध उठाओ। हम पे तो है ही नो तो हम ना उठा रहे भाई। दिल्ली में तो मैंने सुना कर्फ्यू है फार्मर्स का 14 तारीख को। सही बात है, और 14 तारीख की वापसी की ट्रेन है। बजरंग दल का अलग फोन आए हुए भाई, ऐसे पिटेंगे पार्कों में। चलो भाई तुम्हें मिलते हैं, होटल पहुँच के अभी तो भाई हम पैदल भटक रहे हैं ऐसे। बाकी हमने फैमिली को भेज दिया घर, और एक समझदार इंसान की एक खासियत होगी अपनी फैमिली को सेफ रखे, तो हमने भाई सबसे पहले अपनी फैमिली को पहुंचा दिया। यार जूता ले ले यार, जूते ऐसे बहुत लेता है, और कुछ ना ले ना ले। ओए राजस्थान में पानी ओ मारी बाजो बेजड़ी। भाई दिल्ली में जो परेशान है वो इस दुकान पे आ जाए। रिपेयरिंग पॉइंट, यहाँ पे लोगों की मुस्कानें रिपेयर होती हैं भाई, तो प्लीज इधर आ जाएं। अगर आप सैड हो तो आप प्लीज अपने आप को खुश कर सकते हैं इस रिपेयरिंग दुकान पे। हम भी सुबह आएंगे, देन आपको हम बताएंगे कि हमें कैसा लगा कैसा नहीं। भाई तो मैं वो होटल का रिव्यू देते और तैर फैर सीधा आपके साथ भागा बाथरूम। तैर फैर को आ रही थी। ये देखो भाई तुम रूम देखो, 1000 रुपए के हिसाब से हमें मिला है। ये दो मतलब इसमें तीन बंदे सोएंगे, इसमें तीन बंदे सोएंगे, ये फिर आ गया शैतान और इधर एक बंदा सोएगा। और भाई तुम्हें एक व्यू दिखा देता हूँ अभी, बट वो अभी देखने का मजा नहीं हो, सुबह देखने में मजा आएगा। ये देखो भाई ये वैसा व्यू है और वो हमारी मंजिल है। तो भाई अपन हो चुके तैयार, मैंने पहना है भाई कुर्ता, वो मैं तैयार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तैयार, ये तो भाई सबसे लेट लग रहा है भाई, सोए जा रहा है, उठ के सोए जा रहा है, उसका प्रेशर अब बना है। चाय पीने में चाय पी। तो भाई आई होप आपको थोड़े से टाइम लेस मजे आए होंगे, क्योंकि भाई मेरा सूरज भर चुका है, पता नहीं भाई ऐसा क्यों भर जाता है। खैर तो मैं खजूर का पेड़ दिखाता हूँ यहाँ से, खजूर का पेड़ कैमरा बैक कैसे होगा, और फिर तुम दिखाता हो जहाँ पे मैं चढ़ना है वो पूरा क्लियर व्यू दिख रहा होगा। ये देखो भाई तुम व्यू देखो, पहले तुम एक खजूर का पेड़ देखो, कांगड़ा ये रहा नीचे और यहाँ जाना है। कह रहे कह रहे लाल है आज तो। लाल है, लाल है, लाल लालम लाल। ये सब करने आया था यहाँ पे भाई। आउटफिट हो चुकी है मेरी चेंज, वो मेरे को ना थोड़ा भाई बाइसेप से ट्राइसेप से फट गया था, तो भाई आउटफिट कर दिया मैंने चेंज। ये मैं ऑप्शन लाया था बट अब यही वो हो गया, क्या बोलते हैं इसको, कंफर्म। और अभी भाई हम बस निकलने वाले हैं, फिर मज़ा आएगा, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, बस मंजिल हमारी वही है ओए, और मज़ा तो आएगा। स्टार्ट करते हैं बस। भाई मेरे को कमेंट में बताना कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो भाई साहब मोहल्ले का नाम सुन सकते हो, चटाई मोहल्ला, जो बिहारी से लिंक्ड है, बिहारिया चटाई लगवाता है। वो पहाड़ देखो तुम, और ये घर देखो, सातवा अजूबा आठवा अजूबा दुनिया का। ओए भाई साहब, अभी भाई हम नीचे उतर चुके हैं, अब सीधा हमारा चालू होने वाला है, हमारा सफर चालू हो चुका है, हम आधे रास्ते निकल चुके हैं, और ये हमारे बिहारी वगैरह देखो फिर भी काला दिख रहा है क्योंकि हम पे धूप पड़ रही है। आप भाई चल रहे हैं हम आगे आगे, तुम्हें भाई सीधा तुम्हें रास्ता दिखा दूँ अभी, दो तीन जगह के। ये लो भाई तुम पेड़ एंजॉय करो, ये देखो भाई ये यहाँ की गलियाँ हैं भाई, ऐसी कुछ बहुत पुराने पुराने घर बन रखे हैं ये, ऐसे घर आपको रंजीत नगर में देखने को मिल जाएंगे, ऐसे घर क्यों देखते, ऐसे घर रंजीत नगर में देखने को मिल जाएंगे उसकी गली में ना। ये देखो भाई ये इसका मेन गेट है, यहाँ से अंदर ये जो बन रखी है ना सीनरी, यही अंदर वो है दरगाह, तो अभी अंदर जाएंगे फिर तुम्हें दिखा पाए तो दिखा सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ से भी वैसे दिख रही है थोड़ी थोड़ी। तो भाई ये ऊपर चढ़ेंगे अभी उनके वहाँ पे, तो भाई तुम्हें चढ़ा के मिलेंगे, मैं बिजी रहूँगा मिलते हैं। Yeah.
भाई ये कुछ अंदर का माहौल है ऐसा कुछ, और यहाँ पे है वजू का। यहाँ पे ना वो है डेग है, तो मैं भी एक चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे ना वो बनता है मीठे चावल वावल, तो वो मैं तुम्हें अभी जाके दिखाऊंगा जब मैं अंदर जाऊँगा, ठीक है। और ये हमारे घर की चद्दर है जो हम अंदर चढ़ाएंगे, ये सबने कॉन्ट्रीब्यूट करके लिए है, और ये छोटा चेतन। चलो भाई तुम्हें बताते हैं आगे। भाई यहाँ पे है डेग जहाँ पे बनता है खाना, पर यहाँ भी चंदा चढ़ गया। ये देखो भाई इसमें खाना बनता है और ये सारी सामग्री होती है, मतलब जो भी बनवाता है वो ये सब ला के, चाहे मतलब ग्रुप में भी तुम बनवा सकते हो, इंडिविजुअल भी, क्यों भाई किसी अकेले में बोझ नहीं है जो अगर ग्रुप में ग्रुप में बना सकते हैं, पर ये सारी सामग्री होती है। फिर ये लंगर की तरह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी जगह पे, और वो है तारागढ़ की चढ़ाई, वहाँ में भी जाना है। पहले यहाँ पे करेंगे मत्था टेकेंगे फिर आगे जाएंगे, ठीक है भाई। और वैसे तो मैंने अभी वजू बना लिया है, वजू इन द सेंस वो तुम भाई गूगल कर लेना, इतनी ज़्यादा मैं उसमें मैं बता नहीं पाऊँगा, ठीक है। अब तुम्हें भाई सब करी उड़ के मिलते हैं। भाई इसे बोलते हैं जन्नत का दरवाज़ा, ये जन्नत का दरवाज़ा है, ये खुलता है पर बहुत कम टाइम के लिए खुलता है। और तुम्हें भाई ये बता दूँ, जो चिट्ठियाँ टंग रखी है, बंदों ने चिट्ठियाँ लिख रखी है और अपने कलावे बांध रखे हैं, जैसे कि जो इनकी होती है प्रॉब्लम है वो सब ऐसे लिख देते हैं लोग यहाँ पर। भाई अब हम अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ अलाउड नहीं है कैमरा, मोबाइल पर्स वगैरह संभाल के रखना, भीड़ रहता भाई। देखा भाई भीड़ रहती है तो अंदर भाई ये सब कुछ भी शूट नहीं भाई, क्योंकि भाई चोर चक्के बहुत होते हैं, तो इसलिए भाई यहीं तक सफर है। मैं बाहर आके अपन से बता दूंगा जो भी है जो हमें एक मिला है अंदर से फूल, ये बहुत किस्मत वालों को मिलता है। और ये जन्नती दरवाज़ा है, अभी हम अंदर से भी होकर आए, और ये मज़ार है जहाँ पे अंदर होकर आए। भाई हम अंदर कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर सकते थे क्योंकि सख्त मनाही थी और भीड़ बहुत थी भाई, उन्होंने हमारे भले के लिए कहा लेकिन कानून सब चोरी हो जाता है, पता नहीं चलता बंदे ऊपर बंदा था, बट हमने सक्सेसफुली कर लिए उनके दरबार में आके, उनसे मन्नतें मांग ली सबके लिए, कबूल कबूल हो और हम सबको खुश रखे भाई अल्लाह, और आपको भी खुश रखे। गरीब नवाज हम यहाँ पे आए हैं, तो ये सबको भाई अभी खुश रखिए, और सबको हॉस्पिटल की कभी शक्ल ही नहीं दिखाया जाए भाई, तो भाई भी सुन रहे हैं। तो भाई ये सब परेशान लोग यहीं आते हैं, सब दुआएं मांगने आते हैं भाई, सबकी दुआ कबूल हो सबकी। भाई हमारा यहाँ से सारा सफ़र हो चुका है डन, अब हम जा रहे हैं तारागढ़ की चढ़ाई करने, जो वो रही हम वहाँ जाएंगे, हम फिर वहाँ चढ़ेंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे सफ़र, क्योंकि हम तो भाई पैदल जाएंगे। सुनने मारा कि 10-11 किलोमीटर का ट्रैक है, अब भाई देखते हैं कितना है कितना नहीं। बाकी लेट्स सी। हाँ ये जो मैंने तुम्हें पहले दिखाई थी वो बड़ी डेग थी, अब मैं तुम्हें छोटी डेग दिखाता हूँ। और भाई एक और चीज़, एक डेग बनाई थी जहांगीर ने और एक डेग बनवाई थी अकबर ने, तो भाई ये भी हिस्ट्री है कि ये जो डेग बन रखी है वो एक जहांगीर ने बनवाई थी और एक अकबर ने बनवाई थी। बिहारी तू क्या बनवाएगा? ताजमहल। ये भाई उससे छोटी डेग है, इसमें भी हलवा बनता है। आके अगर कोरमा नहीं खाया तो क्या खाया? निकल चुके हैं चढ़ाई करने वास्ते, अब भाई चढ़ते हैं, कितनी चढ़ाई है वो तुम्हें बताएंगे। हम भी भाई बहुत एक्साइटेड है कि कितनी किलोमीटर की चढ़ाई है, कितनी किलोमीटर की नहीं। बंदे तो भाई नीचे उतर कह रहे हैं भाई बहुत दूर है बहुत दूर है, वो तो भाई देख के पता चलेगा कितनी दूर है। लेट्स गो, मिलता रहूँगा भाई तुम्हें रास्ते में, बताता रहूँगा, अपडेशन देता रहूँगा, या जो कुछ दिखेगा उसका शॉर्ट्स तुम्हें दिखाता रहूँगा। क्यों देते भाई? भाई ये व्यू है ऐसा कुछ, और हमें जाना भी भाई अभी उधर उसी साइड ही है, तो ये पूरा रास्ता जाएगा घुमा घुमा के। तुम्हारा ही बना आओ भैया, हम दोनों दोस्त। अच्छा घूमने जा रहे हैं, ठीक है सही बात है। अब जा रहे हैं कहाँ चलेंगे हम? तारागढ़। तारागढ़ की चढ़ाई। ओके अभी सब में जोश है, थोड़ी देर बाद सब खुश हो जाएंगे। दोनों पैर हमारे सूज गए। चलो
चढ़ रहे हैं अभी तो भाई। यहाँ के सारे रास्ते ऐसे ही हैं, थोड़ा बहुत ठीक था और बाकी सारे रास्ते भाई ऐसे हैं भाई। वो मौत का रास्ता दिख रहा है, पता नहीं कहाँ लेकर हम वहीं जा रहे हैं। अबे साले कूद जाऊं? कूद जा, वो तो तेरी हो नहीं सकी, तू ऊपर वाले का हो जा। वो पत्थर पे चल रहा है। एक शायरी सुना दो। मेरे नबी ने मक्का से मदीना बना दिया, मेरे नबी ने मक्का से मदीना बना दिया, खाजा गरीब नवाज ने पत्थर को नगीना बना दिया। हमने अपने माँ बाप को खाना एक दिन नहीं खिलाया, मेरे मोहल्ला वालों ने मुझको कमीना बना दिया। अच्छा एक आशिकी पे, एक आशिकी पे, एक आशिकी पे कोई मोहब्बत करके देखा है, मोहब्बत करके देखा है, मोहब्बत में भी धोखा है। सही बात है। और मोहब्बत करने वाले को तड़पते हमने देखा है, पुल पर, मिडिल स्कूल पर। क्या बात है, सीसी भरी शराब की तुम भी पिया करो, सीसी भरी शराब की तुम भी पिया करो, अपने पति को छोड़कर सबको दिया करो। फूटे हुए पैमाने में जाम नहीं आता, फूटे हुए पैमाने में जाम नहीं आता, और इश्क के मरीज को कभी आराम नहीं आता। और दिल लगाने से पहले तू सोचा नहीं, दिल लगाने से पहले तू सोचा नहीं, टूटा हुआ दिल किसी के काम नहीं आता। दर्द है, दर्द है, दर्द है। आप मुंबई आ रहे हैं? भाई अकेले खाने। तो मेरी अम्मा ने कहा था, मेरी अम्मा ने कहा लम्मा से, और सुन रहा था बिजली की खम्मा से, क्यों हसीनों की गलियों में जाना नहीं, अरे जहर खाना जरूर, दिल लगाना नहीं। जिसको दिया दिल वो दिल्ली चली गई, जब मैं गया उससे मिलने दिल्ली तो इटली चली गई। सोचा कि बिजली पकड़ के आत्महत्या कर लूं, तो मेरी एक हाथ लेके बिजली चली गई, लाइन पर ट्रेन चली गई, लेकिन लाइन नहीं गई। अंकल की शायरी सुने देख लो भाई, इतने बड़े चैनल, इतने बड़े अंकल भी प्यार से मारे बैठे हैं, और हम अभी लड़के कवारे बैठे हैं, बैठे हैं। अंकल को अंकल कह रहे हैं मेरा करण से हाथ चला गया। हाँ उन्होंने शायरी मारी थी अपने ऊपर भी, क्या पता वो रिकॉर्ड हुई हो। तो भाई मजा आया, उन्होंने थोड़ा टाइम पास करवा दिया, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गई हमारी बहुत ज़्यादा। तुम रास्ता देखो भाई, हमने एक जगह रुके हैं, तो भाई ये व्यू तुम देखो यार भाई, पहाड़ी पहाड़ पीछे पीछे पहाड़ी पहाड़। खैर ये थोड़ा लो एल्टीट्यूड पे है, बट पहाड़ एक नंबर है, एक नंबर मेरे को नज़ारा लग रहा है भाई, सीनरी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आई होप आपको भी दिख रहे होंगे और बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको भी। और एक मैं आपको दिखा था वॉल ऑफ चाइना, वो देखो भाई रास्ता बन रहा है कैसा स्ट्रेट ऊपर जाने का, और अभी हमें जाना है वहाँ ऊपर भाई। ये पत्थर ऊपर से शैतान ने फेंका था, यहाँ पे वो नमाज पढ़ रहे थे, जैसे कि वो बिछ भी रखा है नमाज पढ़ने वाला, तो उन्होंने उंगली से यहाँ रोक लिया था पत्थर। तो अभी हम इस स्टॉप पे पहुँचे, अब इससे ऊपर एक और स्टॉप आएगा, वो भी तुम्हें दिखाएंगे। भाई एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो लोगों ने गंद मचा रखा है ना भाई, ये चीज़ मत करा करो समीर बेवफा। इतनी सब इतनी प्यारी जगह आके भाई तुम ये सभी हरकतें करते हो ना, ये चीज़ बेकार है भाई। मैं यहाँ नीच बन जाऊँ? नहीं भाई तुम नीच मत बन भाई, पर व्यू एक नंबर। तारागढ़, तारागढ़ की चढ़ाई हमने पूरी कर ली है, और भाई पीछे वो झील दिख रही है उसको बोलते हैं आना सागर। तो भाई तो सबसे पहले भाई हमने वहाँ हमने हाजी लेगा ही पत्थर लेगा, उसके बाद अभी तारागढ़ की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, फिर कल हम वहाँ जाएंगे आना सागर। तो अभी हमारा भाई पूरा सफर ये चढ़ाई वाला खत्म हो चुका है, अब जो तुम्हें कुछ दिखाने लगे तो भाई ऊपर से मेरी खुद से खुद की लड़ाई, मैं हर बार ले आऊंगा हिट मेरे हाथों में फैली हक की से आई, मैं दिले हाल से...